हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल छवि अश्विनी कुमार पे। और आप लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मिंत्रा हॉल। और एक ऐसा मिंत्रा हॉल जिसमें से आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट को मैं 2 या 3 बार पहन चुकी हूँ और रिव्यू करना रह जा रहा था, तो मैं बोली यार कोई नहीं, जब रिव्यू करना होगा तो करूँगी, पहले पहन लेती हूँ। पहन लूँगी तो समझ में भी आ जाएगा ना, कि और भी ज़्यादा समझ में आएगा मुझे कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या है ना। आप लोगों के लिए तो सही की हूँ ना मैं, लेकिन मेरी बेटी गोल्डी बहुत गुस्सा में कि मम्मा पहले रिव्यू करना चाहिए फिर तुम्हें पहनना चाहिए। तो मैं जो कुर्ता वगैरह जो मंगाई हूँ वो सब आप सबके साथ शेयर करती हूँ और आपको दिखलाती हूँ कि कौन सा कुर्ता कैसा है और मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगा कुर्ता, वो भी मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि आप सब मेरे अपने हो तो आप लोगों के साथ झूठा रिव्यू तो कर नहीं सकती। जो परफेक्ट लगा, जो सुंदर लगा उसके बारे में भी बताऊंगी, जो मुझे ओके ओके लगा उसके बारे में भी बताऊंगी, ताकि आप लोग जो है एकदम परफेक्ट चीज़ जो है वो परचेज कर सको। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और रिव्यू करना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, यानी कि अगर फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दें। बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो बनाऊंगी उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और आप मेरे उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कुर्ते की। तो ये जो आपको लेंथ आपको मिलता है वो काफ लेंथ आपको मिलता है। और उसके बाद अगर इसके नेक की बात कर लेते हो तो नेक आपको राउंड नेक मिलता है। अगर स्लिप्स की बात कर लेते हो तो आपको ये क्वार्टर स्लिप्स आपको मिलता है। ठीक है, यानी कि क्वार्टर स्लिप्स मिलता है, राउंड नेक मिलता है और काफ लेंथ मिलता है। स्ट्रेट फिटिंग जो है वो कुर्ता है। तो अगर आप थोड़े से अगर आप मोटे हो, यानी कि थोड़ा यहाँ से फैट निकला, थोड़ा यहाँ से फैट निकला है, तो आपके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके लिए स्ट्रेट फिट कुर्ता बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप अनारकली या फिर अगर आप थोड़ा ए डिज़ाइन अगर आप कुर्ता पहनते हो तो ए डिज़ाइन में हम थोड़े से जो है वो मोटे दिखते हैं और अनारकली में तो और भी फुले दिखते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेट फिट कुर्ता खरीदते हो, अगर आप स्ट्रेट फिट कुर्ता पहनते हो तो आपके लिए ये बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको ग्रीन कलर का प्रिंटेड, ग्रीन एंड पिंक प्रिंटेड कुर्ता मिल जाता है। लेते हैं फैब्रिक की, तो फैब्रिक आपको प्योर कॉटन मिलता है। इसके प्राइस की जब मैं परचेज की थी तो मुझे ये आपको 1450 में मिला था, यानी कि 1450 रुपये में मिला था। सबको पता है मिंत्रा है तो उसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर रहते ही हैं और वीकेंड में तो ज़्यादा ही ऑफर रहता है। जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ मिंत्रा से तो मैं वीकेंड में ही करती हूँ। तो आप लोगों को भी एक मैं अपनी तरह से राय चिपका देती हूँ कि आप मिंत्रा से जब भी शॉपिंग करें तो वीकेंड में करें, वीक डेज में ना करें, तो थोड़ा ज़्यादा आपको सस्ता पड़ेगा। आपको साइड में आपको कट भी मिलता है, यानी कि अगर स्ट्रेट कुर्ता है तो साइड में कट तो मिलना ही मिलता है। तो अच्छा खासा साइड में आपको कट मिल जाता है जो कि बहुत स्मार्ट लुक आपको देता है। अब बात है प्लाजो की, तो प्लाजो का जो फैब्रिक है वो भी सेम है, यानी कि ग्रीन एंड पिंक प्रिंटेड आपको प्लाजो मिलता है। फुल इलास्टिक आपको मिलता है, यहाँ पे भी टैग आपको डायो का मिल जाता है। तो ये आपको टैग देख लो आप, और फुल इलास्टिक है। अगर मान लो अगर बाय चांस अगर आप साइज थोड़ा इधर उधर बता भी दिए हो तो आराम से जो है ये आपको आ जाने वाला है, या फिर महीने में 1-2 इंच अगर आप थोड़ा बढ़ गए हो तो भी टेंशन नहीं है, ये आराम से आपको फिट हो जाने वाला है। तो फुल इलास्टिक आपको मिलने वाला है। साइड में आपको दोनों तरफ पॉकेट नहीं मिलता है, लेकिन एक तरफ आपको पॉकेट मिलता है। यस, एक तरफ आपको पॉकेट मिलता है जिसमें आराम से आप अपना कोई भी, काफी डीप पॉकेट आपको मिलता है जिसमें आराम से आप की या फिर छोटा सा वॉलेट या फिर मोबाइल अगर आप चाहे तो कैरी कर सकते हैं। बहुत स्मार्ट लुक कुर्ता है ये, काफी स्मार्ट लगता है जब आप इसको पहनते हो। तो प्लाजो के अगर फैब्रिक की बात करते हो तो प्लाजो का फैब्रिक भी आपको प्योर कॉटन मिलता है। अब बात कर लेते हैं दुपट्टे की, तो दुपट्टा जो है वो सॉलिड पिंक कलर में आपको मिलता है। इसके बॉर्डर में जो है आपको जो कुर्ता का जो प्रिंट है ना वो जो है इसके बॉर्डर में डाला हुआ है, यानी कि कुर्ता और जो प्लाजो का जो प्रिंट है उसके जो बॉर्डर में आपको डाले हुए हैं, यानी कि दुपट्टा के साइड में जो रहता है ना उसके ऊपर वो डाला हुआ है,
सॉलिड पिंक कलर का दुपट्टा है ये। अगर इसके फैब्रिक की बात करते हो तो कॉटन ब्लेंड है, यानी कि ये तो 100% कॉटन है दोनों, लेकिन ये जो दुपट्टा है थोड़ा सा कॉटन ब्लेंड है, यानी कि बहुत सॉफ्ट है। थोड़ा सा अगर ब्लेंड हो तो आप समझ जाओ कि थोड़ा सॉफ्ट होता है। अगर आप इसको इस तरह से रखते हो तो बहुत स्मार्ट लगता है। और कलर आपका कोई भी हो, यानी कि आप में आते हो या फिर डस्की कॉम्प्लेक्शन में आते हो या फिर आपका सेट थोड़ा उससे कम है, तो भी आपके ऊपर ये बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। तो ये कुर्ता, ये तीनों के बारे में आपको मैं बता दी, मतलब ये कुर्ता, प्लाजो। और जो सेकंड कुर्ता है वो है ब्लैक एंड गोल्डन सॉलिड कुर्ता और कॉटन फैब्रिक इसका आपको मिलता है। तो चलिए एक एक करके आपको मैं दिखलाती हूँ ये कि कैसा है और क्या है। ये आपको कुर्ता मिलता है, ये आपको स्ट्रेट फिट कुर्ता मिलता है। साइड में जो है आपको स्लिप्स, यानी कि यहाँ पर साइड में आपको कट मिल जाता है। बात कर लेते हो स्लिप्स के, तो बॉर्डर के ऊपर जो है आपको यहाँ पर गोल्डन कलर का प्रिंट मिलता है, जिसके ऊपर एलिफेंट बना हुआ है, यानी कि हाथी बना हुआ है। एक प्रिंट आपको दोनों स्लिप्स के ऊपर मिल जाता है, यानी कि गोल्डन कलर से जो है ना आपको यहाँ पर हाथी जो है वो बना हुआ मिल जाता है। इसके प्लाजो की, तो प्लाजो भी जो है आपको कॉटन फैब्रिक में मिलता है, प्योर कॉटन फैब्रिक में मिलता है। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो इलास्टिक आपको मिलता है, जो कि अगर कमर अगर 19 हो जाता है तो आराम से आप यूज पहन सकते हो, टेंशन की बात नहीं है। अगर नीचे बात करते हो तो नीचे फिर आपको बॉर्डर में जो है वही सेम गोल्डन कलर का आपको प्रिंट मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको एलिफेंट बना हुआ दिख जाता है, ठीक है। और ये भी आपको कॉटन सेम आपको प्रिंट यहाँ पर भी मिल जाता है। जैसे कि पहले वाले प्लाजो में आपको साइड में एक पॉकेट मिलता है, लेकिन इसके अंदर जो है आपको पॉकेट नहीं मिलता है। और जो ब्रांड है, ब्रांड का नाम भी यहाँ पर नहीं मेंशन किया हुआ है। जैसे कि ये कुर्ता जो है वो मैं परचेज की हूँ युफ्ता ब्रांड से, फर्स्ट टाइम मैं इस ब्रांड का जो है प्रोडक्ट परचेज की हूँ। तो जैसे कि पहले वाले प्रोडक्ट में आप देखे हो, जैसे नायो का जैसे मैं दिखलाई हूँ, तो नायो का ब्रांडिंग उनके पैंट के ऊपर भी था, यानी कि जो प्लाजो पैंट था उसके ऊपर भी था, और उनके कुर्ते के ऊपर भी था, और दुपट्टे के ऊपर नायो का ब्रांडिंग था। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई टैग आपको नहीं मिलने वाला है युफ्ता ब्रांड का, कुर्ता के ऊपर आपको युफ्ता ब्रांड का टैग मिलता है, ठीक है। तो ये भी प्योर कॉटन ही है। अब बात कर लेते हैं दुपट्टे की, तो दुपट्टा भी आपको प्योर कॉटन दुपट्टा मिलता है, कोई भी ब्लेंड इसमें नहीं किया हुआ है। सॉलिड ब्लैक है, जिसके ऊपर गोल्डन कलर का आपको पूरे में प्रिंट किया हुआ है, गोल्डन कलर के प्रिंट किए हुए हैं। और पूरे साइड में जो आप देख रहे हो ना, ये पूरे बॉर्डर पे जो है वो एलिफेंट आपको बना हुआ है, पूरे में एलिफेंट बना हुआ है, इस तरफ से भी और यहाँ से भी पूरा जो है आपको आपको एलिफेंट बना हुआ है। बीच में जो है आपको फ्लावर्स जो है वो प्रिंट आते हैं। तो ये सॉलिड जो है आपको ब्लैक कलर का गोल्डन आपको दुपट्टा मिलता है, जिसको आप कोई भी ऑर्डिनरी और भी अगर आपका कोई प्लेन कुर्ता वगैरह हो तो उसके साथ भी टीम अप कर सकते हो, या फिर कोई गोल्डन कलर का अगर आपके पास कुर्ता हो तो उसके साथ भी आप इस दुपट्टा को टीम अप कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अगर आप रखते हो अपने नेक के ऊपर तो बहुत सुंदर लगेगा। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि मेरी रंगत सांवली है, मेरे ऊपर ब्लैक खूबसूरत नहीं लगता है, लेकिन मैं ब्लैक खूबसूरत नहीं लगेगा। लेकिन इस डाउट को मैं आज आपके क्लियर करती हूँ। मेरे फैमिली में ही बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी रंगत कम है, लेकिन जब वो ब्लैक पहनते हैं तो उनके ऊपर इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगता है कि मैं क्या बोलूँ। तो रंगत से कुछ नहीं होगा, कोई भी चीज़ अगर आप प्रेम से पहनते हो, मन से पहनते हो ना, और अगर आप खुश हो अंदर से, तो कोई भी रंग आपके ऊपर खिलता है। लेकिन अगर आप कितने भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, तो आप कोई भी रंग पहन लो आपके ऊपर वो खूबसूरत नहीं लगने वाला। इसलिए मन से हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, कोई भी रंग और कोई भी कलर आपके ऊपर खिलने वाला है, ठीक है। ये था छवि का क्या, तो ये हो गया प्योर कॉटन दुपट्टा है इसका भी। इसको मैं दो या तीन बार, तीन या चार बार पहनी, मुझे याद भी नहीं। अब बात कर लेते हैं लास्ट कुर्ता की। इस ब्रांड का मैं फर्स्ट टाइम मंगाई हुआ, मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ। नायो के मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, इस ब्रांड को मैं इस बार ट्राई की हूँ कि मंगा के देखती हूँ कैसा है। तो प्राइस का तो झोल झाल में पड़ो ही मत आप, मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे कुर्ते की। तो जो तीसरा कुर्ता है वो है, ब्रांड से मैं ली हूँ वो है वारंगा, यानी कि वारंगा ब्रांड से मैं कुर्ता ली हूँ। तो जैसे ये दोनों सेट में आता है और ये सिर्फ कुर्ता आया है,
ठीक है, मैं एक खुद के लिए ली हूँ और एक गोल्डी के लिए ली हूँ, यानी कि सेम में आपको मैं किसी भी ब्लॉग में या फिर किसी वीडियो में मैं या फिर किसी फोटो में मैं और गोल्डी सेम ड्रेस में आपको दिखने वाले हैं। ये है बारंगा ब्रांड का आपको कुर्ता, जिसमें अगर आप नेक की बात कर लेते हो तो आपको राउंड नेक मिल जाता है, फ्रंट में आपको गोटा पट्टी का डिटेलिंग मिलता है, यानी कि गोटा पट्टी जो है आपको यू शेप में ऐसे आपको मिलता है और एक बार यहाँ पर ही मिलता है, जो इस कुर्ते का स्मार्टनेस जो है वो बढ़ा देता है। यानी कि फ्रंट में आपको गोटा पट्टी मिल जाता है और यहाँ पर जो है आपको दो बटन मिलता है, यानी कि यह जो बटन वाला जो है यहाँ पर आपको दो बटन मिलता है और यहाँ पर भी आपको गोटा पट्टी किया हुआ है, यानी कि फ्रंट में आपको भरपूर मात्रा में गोटा पट्टी मिलता है। यहाँ पर आपको वारंगा का जो है आपको टैग दिख रहा होगा। बात कर लेते हैं स्लिप्स की, तो स्लिप्स जो है आपको आपको थ्री क्वार्टर स्लिप्स मिलता है और स्लिप्स के बॉर्डर में भी आपको जो है आपको गोटा पट्टी आपको मिल जाता है, क्योंकि आप सबको पता है गोटा पट्टी की साड़ी हो या फिर गोटा पट्टी का सूट हो, ये बहुत स्मार्ट लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है और साथ ही साथ बहुत क्लासी भी लगता है और इसका फैशन कभी आउट नहीं हो सकता। तो जैसे कि आप देख रहे हो ग्रीन एंड ब्लू प्रिंटेड कुर्ता आपको मिलता है, तो इस बार मेरे पास ग्रीन पिंक ग्रीन ब्लू कुर्ता फिर से बहुत हो गया है, तो ये है आपको ग्रीन एंड ब्लू प्रिंटेड कुर्ता, जिसमें आपको स्ट्रेट फिट मिलता है और आपको नी लेंथ जो है आपको लेंथ जो है इसका नी लेंथ मिलता है, साइड में स्लीव्स आपको मिलते हैं, साइड में कोई भी पॉकेट वगैरह आपको नहीं मिलता। अगर आप सोच रहे हो कि साइड में कोई पॉकेट होगा तो पॉकेट इसमें नहीं है, ठीक है, और प्रिंटेड कुर्ता है ये। वैसे हेल्दी हो तो जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बताई हूँ कि अगर आप हेल्दी हो तो आपके लिए स्ट्रेट फिट कुर्ता बहुत सही होता है, अनारकली में थोड़े आप फुले और दिखते हो तो स्ट्रेट फिट में आप ज़्यादा स्मार्ट दिखते हो। आपका कलर टोन कोई भी हो आराम से आप इसको वेयर कर सकते हो, आप डस्की हो फेयर हो या फिर थोड़ी रंगत आपकी और भी कम है तो भी आप जा सकते हो इस कुर्ते के साथ, बहुत स्मार्ट लगता है। जैसे मैं इसको जैसे टीम अप की हूँ तो मैं इसके साथ रेड कलर का जो है प्लाजो के साथ इसको मैं टीम अप की हूँ, तो आप इसको रेड कलर के प्लाजो के साथ भी टीम अप कर सकते हो, या फिर अगर आप पैंट पहनते हो यानी कि वो जो एकदम नहीं लंबा वाला पैंट नहीं, वो जो स्ट्रेट पैंट आता है नीचे ऐसे थोड़ा सा कट होता है, वो अगर आप पैंट पहनते हो इसके साथ रेड कलर का तो भी ये सुंदर लगने वाला है। ये आपको सलवार के साथ उतना स्मार्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप प्लाजो या फिर पैंट के साथ पहनते हो तो बहुत स्मार्ट लगेगा। अगर आपको ना प्लाजो पहनते हो ना आप पैंट पहनते हो लेकिन आपको ये कुर्ता वेयर करने की इच्छा है, तो आप साइड में थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो कि आप कट कर सकते हो, ये लेंथ इसका कट कर सकते हो, उसके बाद आप इसको पटियाला के साथ यानी कि जो पटियाला सलवार होता है ना उसके साथ अगर आप फुल पटियाला के साथ अगर आप पहनते हो तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन हाँ आपको लेंथ जो है वो थोड़ा कट करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग लेंथ में पटियाला उतना अच्छा नहीं लगता, तो पटियाला के लिए थोड़ा नी लेंथ अगर कुर्ता हो तो ज़्यादा स्मार्ट लगता है। ये मेरी राय थी आपसे गाइस, मिंत्रा के तो अप्स डाउन होते ही रहते हैं, ठीक है। जहाँ तक इसके फैब्रिक की बात करते हो तो 100% कॉटन फैब्रिक है। अब एज अ गाइड एज अ फ्रेंड अगर आप मुझसे पूछते हो कि छवि बेस्टम बेस्ट वाला आपको कौन सा कुर्ता लगा वो आप बता दीजिए मुझे, तो मैं तीन कुर्ता परचेस की हूँ जैसे आप लोगों को मैं बताई हूँ, लेकिन सबसे खूबसूरत सबसे स्मार्ट सबसे मतलब झक्कास मैं अपने आप को किसी ने अगर कुर्ते में फील की हूँ इन तीनों में से, तो वो है इन दोनों कुर्ते। ये मुझे इतना स्मार्ट लुक दिया है जब मैं इसको पहनी हूँ, मैं इसे पहन के बाहर गई हूँ तो दो तीन लोगों ने मुझे टोका दिया है, एक्सक्यूज मी मैम ये आपने कहाँ से परचेज किया है, तो मैंने उन्हें बता भी दिया है, ठीक है। तो ये आप जब पहन के जाते हो तो आप बहुत स्मार्ट लगते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो मेरा फेवरेट कुर्ता है वो है ये, इसको मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि कैसे आप पहनते हो तो ज़्यादा स्मार्ट लगने वाला है, इसको अगर आप पहनते हो तो बहुत स्मार्ट लगने वाला है। रफ टफ है यार, मीन्स कैसे भी पहनो कैसे भी धो ये खराब होने वाला नहीं है, आराम से 5-6 महीने तक पहन सकते हो, उससे भी ज्यादा पहन सकते हो, लेकिन 5-6 महीने तो आराम से लास्ट करने वाला है। कोई जब भी कोई भी कपड़े को आप फैलाते हो तो उल्टा करके अगर आप फैलाते हो तो कलर नहीं जाता। इसमें मुझे क्या खराबी लगा है, इसका जो गोल्डन है ना देखने में तो बहुत स्मार्ट लगता है, लेकिन जो इसका गोल्डन वाला जो कलर है ना थोड़ा ये फेड हो गया है, तो मुझे बस यही एक खराबी लगा है और ये मुझे मेरे ऊपर उतना अच्छा नहीं लगा, मुझे मतलब ओके ओके टाइप का लगा है, बस यही प्रॉब्लम है। हो सकता है आपको ये सुंदर लगे,
यही बात है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप इंजॉय करोगे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो फैमिली के साथ भर भर के शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और भी अच्छा लग गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।